बाग नगर पंचायत में जल निगम मध्य प्रदेश सुरेश चौधरी कार्डिनेट द्वारा जल वितरण स्कीम का संचालन किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जल वितरण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। बाग नगर में भी जल वितरण प्रणाली को समझा गया, जो कि उसमें बाग के आसपास ग्राम आगर, जामला, झांबा, करांद्या आदि और बाग नगर शामिल है। यह परियोजना थाना डैम बांग द्वारा संचालित की जाएगी, जो 60 करोड़ की लागत से बना शुद्ध पानी उपलब्ध कराएगा, जिसका लगभग 5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, जिसमें कई वर्षों से यहां की जनता अशुद्ध पानी पीते आ रही है। बाग से संजय देपाली की रिपोर्ट। उनका संधारण, उनका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, उनके विद्युत बिलों की वसूली, भुगतान के लिए समिति स्वतः लोग आगे आके बनाए। इसमें हमने ग्राम पंचायत का बंधनकारी तो नहीं रखा है कि ग्राम पंचायत के पंच ही होना, पंच भी हो सकते हैं, बाहर से भी लोग हो सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि चूंकि पेयजल का सीधा संबंध हर व्यक्ति से तो है, लेकिन विशेष तौर से हमारे महिला बहनों से, इसलिए महिला बहनों की संख्या इन समितियों में 70% रहे, वरना तो कम से कम 50% तो रहनी चाहिए। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी पुरानी समस्या है। इसे हल करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। कई गांवों में विभाग जल स्रोतों का पता लगाकर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहा है, साथ ही बेहतर जल प्रबंधन के लिए भी कार्य कर रहा है। क्या है कि मैं दूर से पानी लाया करती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, और पहले बार सार्वजनिक नल थे और अभी ये नल आने की वजह से हम लोगों को इतनी कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि ये घर पे आते हैं सुबह शाम, और फिर इसके बाद में ये कि साफ पानी है, इससे बीमारियां भी दूर होती हैं। पहले यहाँ पानी नहीं आता था तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अभी सुबह पानी आता है, शाम को पानी आता है, पूर्ति हो जाती है, कभी किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। पहले पानी नहीं आता था तो हैंडपंप ऐसी व्यवस्थाएं करते थे, लेकिन अभी सभी सुखी हैं। पहले आके फिर ठीक है, आके जलस्रोत लगभग 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 सूख चुके थे, बहुत कम पानी हो गया था, पानी की काफी समस्या थी। ये तो अनुभव किया जा सकता है, कितनी खुशी महसूस हो रही है। जो दोनों टाइम पानी की समस्या थी तो वो लगभग लगभग हल हो चुकी है। यहाँ पहले हालात बहुत खराब थे, पानी की बहुत समस्या थी, छोटी छोटी बेटियाँ सिर पे घघरी लेके जाती थी, तो हम उनसे ये बोलते थे बेटा इतनी बड़ी रह जाओ कि यदि ज़्यादा पानी भरोगी। लाइन द्वारा पूरे गांव में छोटे छोटे नल कनेक्शन करवा के और सुबह 1 घंटा और शाम में 1 घंटा नल देके गांव वालों की समस्या हल कर दी। इलाके में लगातार घटती। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।